इंटरेस्टिंग है, कहीं कहीं आपको हंसी आएगी और कहीं कहीं आपको लगेगा कि हाँ कितना ज़रूरी है अवेयरनेस होना, कितना ज़रूरी है बजट के बारे में पता करना। तो चलिए दिल्ली के कुछ लोगों से आपको मिलवाती हूँ, लोग नहीं कहूँगी, महानुभावों से आपको मिलवाती हूँ और बताती हूँ कि क्या कुछ छिपा है इनके दिमाग में और क्या कुछ चलता है इनके जहन में। चलिए बजट से क्या उम्मीदें हैं मैडम? अभी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं आपको ये बताऊँ। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पता ही नहीं मैम, मेरे को कुछ भी उम्मीदें नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेरे से बात समय इस समय चल रहा है, कुछ आगे ही होगा, ठीक ही रहेगा। बजट से मारो, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को अपनी नौकरी से मतलब है। बजट सो आई एम नो इंटरेस्ट इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस वजह से बजट अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। लाइक ऐसी योजनाएं आए जो हमें मतलब लाइक हम युवा हैं तो हमें प्रोत्साहन करें। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, ये आपको बिगाड़ ही होगा जो बना रहे हो आप, जो सबके लिए हो, इट्स लोअर और मिडिल क्लास। दिस लास्ट ईयर वाज वेरी हॉरिबल फॉर एवरीवन, इवन मी आई हैव अ रेस्टोरेंट। अच्छा सिटीजन हो तो उसको अवेयर तो रहना पड़ता है हर चीज के बारे में। बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। नो आई कांट स्पीक हिंदी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा बजट हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है ये तो बता दो। laughing बजट ना हो गया, कोई कॉमेडी हो गई, कोई बात नहीं मैम। अगर देखा जाए द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लोगों को कितना नुकसान हुआ होते हैं रीजन ऑफ लॉकडाउन एंड अदर देन ऑफ स्ट्राइक, तो मैम इस बार मुझे लगता नहीं है कि इस बार हमारे बजट के अंदर किसी को ग्रोथ मिल पाएगी। चलो जी छोड़ दी, ये बताइए आम बजट आम होता है, कौन सा आम होता है? लंगड़ा आम होता है, चूसा आम होता है, कौन सा आम होता है? आम बजट ऑफ बेसिक फाइनेंशियल ईयर, बेसिक। ओके, अगर पांच कोई चीजें सस्ती करानी हो बजट में तो आप क्या बोलेंगे, कौन सी चीजें? लाइक यू नो मोबाइल फोन्स क्योंकि बहुत महंगे आते हैं एंड क्लॉथ्स आल्सो। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको ये MSME में वो लेके आ जाए एटलीस्ट, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है पहली चीज़। और ये जो गैस वैस जो नॉर्मल यूजेस हैं, ठीक है अब कंपेयर किया जाए, दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग, बिजली फ्री आती है, पानी फ्री आता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिजली फ्री दे दो, ये वो दे दो, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ें जो डे बाय डे यूज की। कौन सी तीन चीज़ें जो सस्ती होनी चाहिए? चीनी चावल यही है, चीनी चावल ही खाते हो? नहीं और भी चाहिए हैं, आटा है, ये सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए बस। सबसे पहले मैम सिलेंडर, पेट्रोल एंड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, सिलेंडर, पेट्रोल, एजुकेशन, धमाकेदार। क्या चाहते हो कुछ सरकार से कि भाई ये कम कर दो या इसके दाम कम कर दो, टैक्स रियायत दे दो? इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम है, नहीं ऐसा कुछ, सब सही चल रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से कि किस तरह से बजट आए और मिडिल क्लास के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हम मैडम क्या बताएं, अभी पहले से तो अब तो ठीक ही ठाक चल रहा है। छोटे व्यवसायियों की बात करें तो सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? जो भी है बजट तो मैं सही है, सही है, सही है। पिछली बार की तरह होना चाहिए, पिछली बार की तो और अच्छी बात है। अच्छा कहा जा रहा है कि 2020 में कोरोना था तो कोरोना का इफेक्ट बजट पे पड़ेगा, ये इफेक्ट क्या होगा, लाइक प्लस पॉइंट समझा जाए या माइनस में जाएगा? नहीं अब जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा तो सही, अब गवर्नमेंट भी तो ये है ना, ट्रेजरी कैन ओनली कंपनसेट टिल दे हैव एनी अमाउंट ऑफ मनी, दे कांट जस्ट गिव इट फ्रॉम देयर पॉकेट, व्हाटएवर बेस्ट दे कुड डू दे हैव डन, नाउ वी पीपल हैव टू डू समथिंग because we expect too much from the government but we have to give it to the government also na, unless we give to the government how can the government run and how can the government do good to the people who cannot afford, it is the point, the people who cannot afford should be given their rights and the government is trying to help them out, means there can be flaws somewhere here and there that everybody makes mistake, but then still if all said and done the budget has to be where both the budget, the taxpayers and the tax receivers have no problem in that. बजट क्या होता है पता तुम्हें? क्या होता है बताओ तुम, बजट क्या होता है? जो पैसा बचाता है बजट। क्या भैया मुझे नहीं, नहीं ठीक बोला तुमने, बोलो बोलो क्या? जो पैसा बचाते हैं उसे बजट कहते हैं। हाँ अच्छा, अगर सस्ती करनी हो कोई तीन चीजें तो कौन सी सस्ती चीजें करोगे?
गुब्बारा गुब्बारा सस्ता करोगे फिर तुम कमाओगे कहाँ से? इसी में बच जाएगा ना, पांच का एक पड़ता है। तो दिन से शाम हो गई और शाम के थोड़ी देर बाद रात होने वाली है और मैंने एक चश्मा भी खरीद लिया 100 रुपए में। लेकिन बजट को लेके इतने सारे सवाल लोगों से किए लेकिन कोई भी एक अच्छा आंसर नहीं दे पाया। यानी कि हम सब सरकार को कोसते हैं, बजट को लेकर महंगाई सस्ता होने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अलावा ज़्यादातर यूथ में अवेयरनेस नहीं है बजट को लेकर। काफ़ी वैसे तो दुख की बात है, लेकिन हाँ हम यही चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप भी लिख सकते हैं कि आप आने वाले बजट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें महंगी होनी चाहिए। और प्लीज़ लड़कियों के लिए से मेरी खास दरख्वास्त है कि मेकअप के बाहर भी कुछ सोचिए। मेकअप मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन उसके आगे भी कुछ ज़िंदगी है। और खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पर दिखी और मुझे यकीन हो गया कि खूबसूरत लड़कियों की जो बुद्धि होती है दिमाग में होती है। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बाय। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।